रांची के बुंडू अनुमंडल इलाके में बालू तस्करी पर पुलिस ने शिकंजा कसकर कार्रवाई आरंभ की है। लगातार कार्रवाई से अवैध बालू खनन, डंपिंग और बालू ढुलाई मामले में पुलिस को सफलता मिल रही है। नक्सल प्रभावित इलाके के दसम फॉल इलाके के चुरगी नदी से कल देर रात बड़ी संख्या में बालू लदे टर्बो और हाइवा को जब्त किया गया। रात में जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर टर्बो और हाइवा चालक भाग निकले। पिछले एक माह से लगातार सोनाहातू इलाके से, डिबडी इलाके से भी 250 से ज़्यादा बालू डंपिंग मामले पर कार्रवाई हो रही है। सोनाहातू के बीडीडी से कल दो टर्बो जब्त किया गया। राहे थाना क्षेत्र इलाके के बसाहातू और राढ़ू नदी घाट क्षेत्र और बुंडू थाना क्षेत्र के बीचाहातू से भी अवैध बालू उत्खनन और ढुलाई मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक माह से लगातार राजधानी रांची के SSP के निर्देश पर नक्सल प्रभावित नदी घाट इलाकों में सघन छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अवैध बालू उत्खनन, डंपिंग और चोरी छिपे बालू की तस्करी पर कार्रवाई हो रही है। दर्जनों बालू तस्करी से जुड़े माफियाओं पर भी बुंडू, राहे, सोनाहातू, दसम फॉल थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें हम लोगों ने उसका पीछा किया और हमारी दूसरी टीम जो आगे हम लोगों ने लगा कर रखी थी उस टीम को भी अलर्ट किया और उसने आगे से बैरिकेड किया। पुनः जाके उस गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें कि 3 टर्बो और 3 हाइवा बालू से भरा हुआ गाड़ी को पकड़ा गया है और इसमें तुरंत गाड़ी के जो चालक थे वो अंधेरे का लाभ उठा के वो लोग जल्दी से कूद के और जंगल के झुरमुट की तरफ भाग गए और सभी गाड़ियों को रात में बहुत मशक्कत करके थाने के पास ला के सुरक्षित रखा गया है और इसकी सूचना तुरंत SDO बुंडू संबंधित खनन विभाग के पदाधिकारी को भी दी गई। दी राडू नदी, कई नदियाँ यहाँ से निकलती है और सभी नदियों से आज से नहीं बल्कि पुरातन समय से ही बालू का यहाँ पे खनन किया जाता रहा है और इस संबंध में हम लोग के लिए भी, पुलिस प्रशासन के लिए भी, ये चुनौती है क्योंकि ये जंगल का एरिया है और इसमें रात्रि में खासकर जो भी इन लोगों का मोडस है कि जब प्रशासन जब कहीं दूसरी तरफ चले जाते हैं उस समय में चोरी छुपे ये गाड़ी को निकालते हैं और हम लोग सूचना जैसे ही प्राप्त होती है हम लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और लगातार आप देख रहे होंगे पिछले एक महीना से सभी सोनाहातू क्षेत्र में बड़े बड़े डंप को वहाँ पे केस किया गया है। कल रात में सोनाहातू क्षेत्र में भी BDD से जो अवैध बालू का उत्खनन की सूचना मिली थी जहाँ से 2 टर्बो को वहाँ से भी जब्त किया गया है। इसके अलावा राहे क्षेत्र के बासाहातू गांव में भी वहाँ अवैध बालू का डंप किया गया था, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। खूंटी और रांची से सटे इलाकों में पुलिस बालू तस्करों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है जिसे लगातार सफलता भी मिल रही है। इससे झारखंड सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी और झारखंड सरकार अवैध उत्खनन को लेकर भी लगाम लगाने में सक्षम होगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।